नगर निगम सीमा अंतर्गत शहर के सभी 60 वार्डों में व्याप्त समस्याओं के निराकरण हेतु क्लस्टर में 9 मई से 8 जून तक जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वाधिक आवेदन पट्टा की मांग को लेकर किए गए थे। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा शहर के सभी 60 वार्डों की मूलभूत सुविधाओं व समस्याओं से शहर के नागरिकों को निराकरण करने लगातार 9 मई से 8 जून तक शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत बुधवार को दुर्ग के वार्ड 59 कातुल बोर्ड में जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस अंतिम शिविर में वार्ड 59-60 के नागरिकों द्वारा अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर पहुंचे लोग, जिसमें सबसे ज्यादा पट्टा को लेकर आवेदन दिया गया था। इस अवसर पर शिविर में पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, MIC प्रभारी संजय कोहले सहित वार्ड पार्षद जयश्री जोशी व शिवेंद्र परिहार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक अरुण वोरा व महापौर ने शिविर में पहुंचे लोगों से आवेदन लेकर उसके त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया, जिसके तहत शिविर में कुल 115 लोगों ने अपना आवेदन जमा कराया, जिसमें से 9 लोगों ने वार्ड में व्याप्त शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल व पार्षद शिवेंद्र परिहार ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। जन समस्या निवारण शिविर को लेकर शहर में अच्छी प्रतिक्रिया है और ये हर वार्डों में 3 वार्ड मिला के 1 वार्ड में ये शिविर लगाया जा रहा था। लगभग 1 माह हो गए, आज 1 माह पूरा हुआ, आज समापन है और इसमें जो जो समस्याएं आई हैं, जिसका त्वरित निराकरण किया जा सकता था उसका त्वरित निराकरण किया, जैसे राशन कार्ड हो, जाति प्रमाण पत्र हो और पेंशन की बात हो, ये सारे काम तत्काल ही शिविर में ही पूरे किए जा रहे हैं। और जो पट्टा की बात सामने आई है, लगभग 2000 से अधिक आवेदन जो गरीब बस्ती है वहाँ से पट्टा के लिए आए हैं। हमने निगम के अधिकारियों से कहा है कि सब उसको कलेक्ट करें और पट्टे की जो पात्रता रखते हैं उसको तत्काल प्रभाव से उन्हें पट्टा दिया जाए और जो पात्रता में नहीं है उसका परीक्षण करें और उन्हें भी राज्य शासन की योजना के अंतर्गत पट्टा दिया जाए, क्योंकि सरकार की यह मंशा है और कांग्रेस की हमेशा से यह भावना रही है, मंशा रही है कि गरीबों को पट्टा दिया गया है, पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा, आज भी, और भूस्वामी का अधिकार भी हमारे मुख्यमंत्री ने दिया है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की। ये शिविर का समापन होने जा रहा है। मैं सभी अधिकारियों को, महापौर को, हमारे जितने भी पार्षद हैं, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उन्होंने बराबर इसमें अपनी हिस्सेदारी का निर्वहन किया है और समस्याएं जितनी ज़्यादा आ सकती थी, क्योंकि ये शिविर इसलिए लगाया जाता है कि नगर निगम में भटकाव की स्थिति ना हो। पहले भटकाव की स्थिति रहा करती थी, अब भटकाव की स्थिति समाप्त करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। और जो समस्याएं सामने आएगी उसके लिए आगामी कुछ दिनों बाद ये हमारे जो अधिकारी हैं ये समस्याओं को स्थल पर जाकर निराकरण करेंगे, स्वयं जाएंगे, केवल ऑफिस में नहीं बैठेंगे। ऑफिस में बैठने से काम नहीं चलता है, चलता है काम लोगों के बीच में जाएं, उनकी समस्या सुने और उसका निराकरण करें। एक प्रयास है कि डायरेक्ट वार्ड में जाके जनता से जुड़ने का, जनता के पास पहुंचकर वहां शिविर लगा के लगभग सभी विभाग के अधिकारी वहां बैठ के जनता की समस्याओं का निराकरण करना। जैसे मेन जो समस्या, जो छोटी छोटी समस्याएँ जनता को आती, राशन कार्ड को लेकर, पेंशन को लेकर, राशन कार्ड को लेके लगभग जितने भी प्रकरण आए उसको हम लोगों ने तुरंत निराकरण किया। पेंशन को लेके, नामांतरण को लेके, और सबसे ज़्यादा जो विषय सामने आया है वो पट्टा को लेके। तो पट्टा के लिए भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सरलीकरण किया है उसको लेके हम लोग प्रयास करेंगे कि पट्टे वाले मांगों को भी पूरा हम लोग निराकरण करें। लगभग 9 मई से लेके आज 8 जून है, माननीय विधायक जी के साथ हम लोग लगभग सभी शिविरों में गए, वहाँ पहुँच के जनता से मिले और बहुत बड़ी समस्याएं सामने नहीं आई। पट्टे को लेकर जो विशेष आई वो बाकी नल विभाग की कुछ समस्या थी उसको भी तुरंत निराकरण किया जा रहा है। PWD की सड़क नाली रोड की जो बातें आ रही है उसको भी हम लोग आने वाले जो हमारी जो राशि स्वीकृत हुई उसमें हम निराकरण करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जनता के बीच जाके ज़्यादा से ज़्यादा जनता की समस्याओं का निराकरण करना, और आने वाले समय में ये यही नहीं रुकेगा। हम लोग वार्ड वाइज दौरा करेंगे, एक एक गली का दौरा करेंगे और वहाँ जाके और जो समस्याएं सामने आएगी उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। मैं
तो नहीं कह सकता कि काफ़ी लाभ हुआ है, लेकिन ठीक है, निगम का प्रयास है, समाधान होना चाहिए, लोगों में जो भटकाव की स्थिति है वो ना हो। पर मेरा कहना यह है कि शिविर एक सिर्फ मात्र औपचारिकता ना रह जाए, इसके पूर्व में भी 3-4 माह पूर्व भी इस शिविर का आयोजन किया गया था, उसके बहुत सारे प्रश्नों का अभी तक निपटारा नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी समस्या जो है पट्टे के, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बहुत सारे लोगों को पट्टा प्रदान कर दिया गया था, उनके हाथ में पट्टा पहुंच गया था, लेकिन बाद में सरकार के द्वारा उस पट्टे को यह कहकर वापस ले लिया गया कि इसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर बदलकर फिर इन्हें वापस दे दिया जाए, परंतु आज 3 वर्ष होने को आगे वो पट्टा उन्हें वापस नहीं मिला। दूसरी जो गंभीर समस्या आ रही है, पट्टाधारी पट्टा चाहता है लेकिन सरकार उसे कहती है आप मालिकाना हक लो। अब वो गरीब जो शासकीय ज़मीन पर अपना घर बनाकर रह रहा है, वह 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कहाँ से लाए मालिकाना हक। मेरा निवेदन ये है सरकार को इस शिविर के माध्यम से कि जिन लोगों को पूर्व में पट्टा दिया गया था उन लोगों को सीधे सीधे पट्टे का नवीनीकरण करके उन्हें पट्टा प्रदान कर दिया जाए, जिन लोगों को पट्टा नहीं दिया जा सकता उन्हें स्पष्ट कारण बता दिया जाए। साल में 3 शिविर लगते हैं, हर शिविर में वही लोग आते हैं और उनका निराकरण आज तक नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं समझ पा रहा है कि मुझे पट्टे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। तो यदि कोई कानूनी बाधा है तो उसको स्पष्ट जानकारी दे दी जाए ताकि बेचारे उधर उधर ना भटके। और दूसरा मुझे ये कहना था कि शिविर में जो मूलभूत सुविधाओं की मांग की जा रही है लोगों के द्वारा, पूरे शहर का मूलभूत सुविधाओं का एकत्रीकरण कर लिया जाए, उसकी कितनी आवश्यकता है शहर के द्वारा, उसके समय सरकार के द्वारा उसके समाधान के लिए कुछ राशि भी उपलब्ध कराई जाए। सिर्फ आवेदन ले लेने से काम नहीं चलने वाला है। इसके पूर्व की सरकार में तो लोक सुराज का कार्यक्रम हुआ करता था, जितनी शिकायतें आती थी और उसके हिसाब से निगम को बजट आवंटित किया जाता था, उसका निराकरण किया जाता था। मैं सरकार से मांग करूँगा कि मूलभूत सुविधाओं के लिए जो शिकायत आ रही है, जो मांग आ रही है, उसके लिए बजट भी प्रस्तावित करें। बहरहाल प्राप्त आवेदनों का निराकरण भी जल्द हो पाएगा, ऐसा आश्वासन विधायक अनुरा ने जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।